से बच्चे भी निकाल लेता था और बच्चे ही भेजता था, परिंदे चलो और क्या है, हमारे बच्चे निकाल के ले जाता है, हम तो मानते हैं बच्चे निकाल के ले जाता है। उन्होंने उसको बुलाया, उसको नसीहत की, उन्होंने कहा ठीक है आइंदा नहीं करूंगा। उसने फिर किया, फिर गए, फिर बुलाया, अखर अल्लाह से अर्ज लगा या अल्लाह ये मानता नहीं है। अरसे वो कम किया था आइंदा के लिए, इंशाल्लाह ये आखिरी वारदात हो उसकी होगी, ये मारा जाएगा। वो फिर उसने बच्चे निकाले और फिर चला गया। मूसा अलैहिस्सलाम ये वाक्य फिर हुआ, अल्लाह पाक ये तेरे इल्म का तुझे खबर या अल्लाह ये हुआ। और मूसा ऐसे ही था, उसे कहना अपने अपनी लकड़ियों का गट्ठा जो लेके जा रहा ना उसको जरा खोल के चेक करें, ऐसा ही था। पर ये ऊपर चढ़ा हुआ था दरख्त के और रोटी इसकी बंधी हुई थी, नीचे एक साहिल आया था, उसने सवाल किया था और इस लोगों से कहा था अच्छा मेरी रोटी बंधी हुई, दोपहर की कोई बात नहीं, भूखा रह जाऊंगा, तू वो रोटी ले जा। वो रोटी साहिल ले गया, मूसा हमारे नाम पे दे और हम इसको आजाद दें। इसको कहे गठा खोल के देखे, जब लकड़ियों का बंडल खोल के देखा तो एक सांप था कौवा उसके अंदर था जो इस पे मुसल्लत था, पर उसके मुंह में लोहे की लगाम पड़ी हुई थी और अल्लाह की राह में देने ने उसको लगाम डाल दी थी, लगाम डाल दी।